Boil for 10 minutes. अमला का पानी में आप मिक्स कीजिए ऑनियन, एक प्याज लीजिए और उसको अच्छी तरह से बॉइल कर दीजिए, ढक के रख दीजिए। लौंग, इस तरह से लौंग को भी डालिए। धीमी आग में इसे बॉइल कीजिए, जब तक ये 1/4 नहीं हो जाएगा तब तक इसको बॉइल कीजिए। कॉफी 1 टेबल स्पून, मिक्स इट वेल। इससे आपका बाल गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा और हेयर ग्रोथ पूरी तरह, आपका जो भी पहला गिरा हुआ बाल है वो रीग्रोथ होंगे। इससे आपका स्कल्प को मजबूत बनाएंगे और इसे ग्रोथ का शक्ति देंगे। ठंड होने के बाद आप इसको इस तरह से इसमें डालिए। ग्राइंड कीजिए, ग्राइंड करने के बाद इसमें मिक्स करके आप इसको अपने बाल में हर एक कोना में फैला के लगाइए। स्कल्प में पूरा लगाइए, स्कल्प जो लगाएंगे तो इसे ताकत मिलेंगे और ग्रोथ के लिए इजी होंगे बाल को, और इसे झड़ना भी कम हो जाएगा आपका। पूरा बिल्कुल इस तरह से प्रयोग कीजिएगा, बिल्कुल आपका बाल इतनी हरा भरा जैसी हो जाएगी। क्योंकि आजकल सारा शैम्पू और कलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा केमिकल होता है, तो ये सब चीज़ नेचुरल चीज़ से जो भी स्कल्प का डैमेज किया हुआ है इसे उसको फिर रिग्रोथ करने का शक्ति देंगे। इस तरह से प्रयोग कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस तरह से मैं बताती जाऊंगी, आप लोग इस तरह से प्रयोग कीजिएगा। घर का, घर ही में है आपका सब कुछ, लेकिन आप देखते हैं बाहर का चमक धमक और उसी प्रयोग करके पूरा बाल गिरा देते हैं। तो आज से आप घर का चीज़ प्रयोग कीजिए और हेल्दी और साइंसिल की बाल को बनाए। थैंक यू, ओम शांति। पूरा बन चुका है, अब इसको आप ऐड कर सकते हैं, अब इसको अब लगा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। Castor oil, one tablespoon, बहुत गाढ़ा होता है, और इतनी सारी सामग्री में 2-3 आदमी को लगा सकते हैं आप। और इसमें आलमंड ऑयल को ऐड कीजिए ताकि ये गाढ़ापन को आलमंड ऑयल बैलेंस करेंगे और इसको ठीक रखेंगे। इस तरह से दोनों को पूरा तरीके से मिलाइए। जो पानी था उसमें वो जो प्याज का जो उसको ग्राइंड करके मैंने डाला उसको मिक्स किया हुआ है, ऐड किया हुआ है इससे।